Students, subscribe and press the bell icon to never miss an update from two IITians. To attend live video classes of surface area and volume on Google Meet, press the join button or contact us on this number. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. पहला पार्ट है 28 सेंटीमीटर्स और दूसरा पार्ट है हमारे पास 0.21 मीटर्स. तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा. पहला पार्ट 28 सेंटीमीटर्स. अच्छा, इसमें डायमीटर दे रखा है तो आर रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स का, हाफ हो जाता है डायमीटर का. अब देखिए वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल. अब देखिए जो वेट होगा बॉल का उतना ही वाटर टू डिस्प्लेस करेगी अगर पानी में डाला जाएगा उस बॉल को. तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है 4/3, मतलब जो भी वॉल्यूम होगी सॉलिड बॉल की, तो 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहां से ये हो जाएगा आर हमारे पास 14 है, 4/3 इंटू 22/7 into 14. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11498.66. मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व. 7 और 14 कट जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा बस सबको कैलकुलेटर से या जिससे भी. अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसी का. सेकेंड पार्ट में 0.21 मीटर्स है. अब देखिए यहां से जब आप आर निकालोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ होगा 0.105 मीटर्स. अब फिर से वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105. अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.004851 मीटर क्यूब. बड़ा अजीब सा आंसर है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपको ये आंसर मिलेगा. ओके चलिए.